हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष चीज लेके आए हुए हैं, जो कि साइंस का पोर्शन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स कभी कराएंगे, ठीक है। देखिए, आपको पता है कि जीके के पोर्शन में साइंस का एक अहम रोल होता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जेएसएससी जेई हो, चाहे वो जेएसएससी जेई हो, एसएससी जेई का जो अभी वैकेंसी निकली हुई है उसका बात करें हम, बीपीएससी एई का बात करें, ठीक है, जितना भी एग्जाम है ना, डीडीए वगैरह हो गया, डीएसएसबी हो गया, जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब में जो है साइंस से पूछता ही पूछता है, ठीक है। जो जीके का पोर्शन होता है ना, उसमें से साइंस का इंजीनियरिंग वाले एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के एग्जाम में साइंस से, और सब में सिलेबस एनसीईआरटी लिखा होता है। ये जो हम अभी कराने वाले हैं, एनसीईआरटी का जो सार संग्रह वाला बुक आता है ना, उसी का कराने वाले हैं, ठीक है। उसी का पूरा फिजिक्स कराएंगे हम, ठीक है। काफी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया तो आप लोग देख लीजिएगा, पूरा पहले देखिए वीडियो, तब पता चलेगा आप लोगों को कितना क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है अगर साइंस का आएगा तो इसी पोर्शन से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सार संग्रह है ये, जो जिस्ट वाला बुक आता है उसी का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस वाले में। सबसे पहले हम पोर्शन फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है मेजरमेंट, हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल मेजरमेंट आर इन एसआई सिस्टम, ठीक है। फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज है एसआई सिस्टम में, वो कितना है, सेवन है, सात जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब उस फंडामेंटल यूनिट्स में जो सात क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो है आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। लेंथ का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा, उसको एम से डिनोट करते हैं। मास का किलोग्राम होगा, उसको हम केजी से डिनोट करेंगे। टाइम का सेकेंड होगा, उसको हम एस से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, एम्पियर होगा एसआई यूनिट, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर का केल्विन होगा, इसको हम के से डिनोट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होगा, इसको हम मोल से डिनोट करेंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, सीडी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। अब आइए यहाँ पे, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस को किससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रेडियस को एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस किया जाता है, तो ठीक है, ये यहाँ पे एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो वन लाइट ईयर जो होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। पार्सेक जो होता है ये लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस मेजरमेंट का। वन पार्सेक जो होगा वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होगा, ठीक है। पार्सेक जो होता है ना, ये डिस्टेंस मेजरमेंट का यूनिट है, और एक पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करिएगा ना, तो उसका यूनिट क्या होगा, बार होगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, जूल होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एमकेएस सिस्टम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 kg पर cm स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू, 1 kg जो पर cm स्क्वायर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, 1 bar के बराबर होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 1 kg पे 1 bar इक्वल्स टू 10 to the power 5 pascal होता है, ये भी आप लिख लीजिएगा। 1 picogram इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, टू 10 to the power -12 gram होता है, ठीक है। पास्कल जो यूनिट होता है ये प्रेशर का होता है, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का न्यूटन और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। द यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर इज डॉब्सन। ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है ना, ओजोन लेयर का, उसको हम किस में मापेंगे, तो डॉब्सन में मापते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। What is measured in angstrom? तो wavelength जो है वो angstrom में measure होता है। अब आ जाइए ऊपर में। How many watts are there in a horsepower? एक horsepower में कितना watt होता है? तो 746 watt होता है। One micron equals to 10 to the power -6 meter होता है। इसको आप centimeter में लिखिएगा तो 10 to the power -4 centimeter कीजिएगा, या फिर 10 to the power -3 mm कीजिएगा।
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा ओम मीटर में, ठीक है, ये हो जाएगा। अब द टाइप ऑफ यूनिट्स आर रेंडियन और स्टेरेंडियन, किसका जो यूनिट है वो रेंडियन और स्टेरेंडियन, सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है ना उसका रेंडियन और स्टेरेंडियन होता है। व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में हम क्या मेजर करते हैं, ठीक है, क्यूसेक मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, तो इसमें हम वाटर फ्लो या फिर फ्लो रेट मेजर करते हैं। बायनोकुलर टेलीस्कोप जो होता है ना ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए देखने के लिए होता है, दूर का जो वस्तु होता है उसको देखने के लिए होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फैट इन ए मिल्क प्रोडक्ट, तो ब्यूट्रियोमीटर जो होता है ये अमाउंट ऑफ फैट मेजर करता है मिल्क प्रोडक्ट में। देखिए जो भी हम यहाँ पे जो भी एक क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, पूरा का पूरा देखिएगा वीडियो ये, ठीक है, और एक बार नहीं दो तीन बार देखिएगा, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फैट इन मिल्क प्रोडक्ट, तो ब्यूट्रोमीटर हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लक्स मीटर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। विच टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर प्लेन एंगल एंड क्यूब एंगल, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट का साउंड मेजर करने के लिए, ठीक है, कौन सा जो आपका हार्ट होता है ना उसका साउंड अगर सुनना है आपको तो स्टेथोस्कोप से आप सुन सकते हैं, ठीक है, हार्ट बीट जो होता है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, मास जो है स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, टाइम, वर्क, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस मान लीजिए कोई आपसे पूछता है तो कितना बोलिएगा, मान लीजिए कोई पूछा कि आप कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 12 किलोमीटर चले। अब ये नहीं पूछा आप बोलिएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में चले उस डायरेक्शन में चले, ठीक है, तो मतलब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई इसमें बात नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह आप मास होता है, वॉल्यूम होता है, टाइम थोड़ा सा इसमें, इलेक्ट्रिक करंट आप याद रखिएगा, डेंसिटी, ये सब चीज, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स बल लगाए तो किस तरह बल लगाए, डायरेक्शन भी उसमें जरूरत हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो एटॉमिक क्लॉक जो है ना ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए मेजर होता है। व्हाट इज यूज्ड टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एटॉमिक क्लॉक यूज होता है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, तो स्पेक्ट्रोमीटर होता है। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, स्पेक्ट्रोमीटर होता है। द ऑर्डिनरी माइल इज मोर प्रिसाइजली नोन एज स्टैच्यू माइल होता है। एम्पियर सेकेंड का एसआई यूनिट चार्ज, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी, आई का क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, तो एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज्ड टाइम एज ए फोर्थ कोऑर्डिनेट इन अ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन अ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है यूज किया जाता है टाइम एज ए फोर्थ कोऑर्डिनेट इन अ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट, सम फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट, ठीक है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, एक्सेलरेशन और डिक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सार संग्रह वाला बुक का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है ना, तो इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल भी लिख सकते हैं, एनर्जी मतलब जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एच, एमजीएच होता है, तो एमजीएच का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर जूल हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क बाय रेडियस होता है, तो रेंडियन हो जाएगा। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो जूल और न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है, तो जूल पर सेकेंड हो जाएगा, इसको वाट भी लिख सकते हैं। फोर्स मूवमेंट जो होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ग्रेविटेशन, ग्रेविटी कांस्टेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर्क बाई मास होता है, जूल पर केजी हो जाएगा। रोटेटिंग रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है, मीटर में हो जाएगा। यंग्स कोफिशेंट, ये होता है ना, ये स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सिंपली जो स्ट्रेस का हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि इसका जीरो होता है। सरफेस टेंशन फोर्स बाई लेंथ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फोर्स बाई लेंथ हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी स्लोप वेलोसिटी बाई डिस्टेंस हो जाएगा, पर सेकेंड में लेते हैं। विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो होता है ना, ये होता है न्यूटन पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है, विस्कोसिटी का, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा विस्कोसिटी का। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा जूल पर सेकेंड। वोल्ट मैन कांस्टेंट एनर्जी बाई हीट होता है, तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। कैपेसिटी चार्ज बाई पोटेंशियल फैराडे हो जाएगा। कंडक्टिविटी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सीमेंस पर मीटर और सीमेंस मीटर का पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वेबर होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होता है, ठीक है। लेटेंट हीट का थर्मल एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, मतलब जूल पर केजी हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनर्सिया मोमेंट इंटू एंगुलर वेलोसिटी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया मास इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर एम आर स्क्वायर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया का, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज हो जाएगा। टू मेजर स्मॉल लेंथ वी यूज वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज यूज करते हैं, अगर हमको स्मॉल लेंथ मेजर करना होता है तो। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल, सच ए डिवाइस इज नोन एज ऑडोमीटर। ऑटोमोबाइल जो होता है ये एक डिवाइस फिटेड होता है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करता है, सच ए डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर। व्हाट इज द वेट ऑफ ए बॉडी मैक्सिमम, सॉरी वेयर इज द वेट ऑफ ए बॉडी मैक्सिमम, जो वेट होता है ना कि बॉडी का, वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो पोल्स पे होता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल्स पे होता है, ये इक्वेटर हो जाएगा, ये पोल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वुड वेट हाउ मच ऑफ दैट ऑन द अर्थ, तो जो वेट होता है ना मून पे वो 1/6 हो जाता है जितना अर्थ पे है। वेयर इज द वेट ऑफ बॉडी मिनिमम, तो इक्वेटर पे मिनिमम होता है और पोल्स पे मैक्सिमम होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज, अगर वेलोसिटी डिक्रीज करता है देन द बॉडी इज सेड टू अंडरगो रिटार्डेशन में चला जाएगा। जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट इंड्यूस सिस्टमैटिक एरर होता है। मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ रेट ऑफ स्पीड मेजर करते हैं। विथ विच डिवाइस इज द ब्रेन वोल्टेज मेजर, तो इलेक्ट्रो इंसेफलोग्राफ जो होता है ये ब्रेन वोल्टेज मेजर करता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो रेडियन होता है। बाई यू विच यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन एक्सप्रेस, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैरेटोमीटर इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैरेटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग सोना का शुद्धता माप करते हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्टेंट डिवाइसेस, इंपोर्टेंट डिवाइसेस, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्टेंट अल्टीमीटर जो होता है, ये अल्टीमीटर जो डिवाइस है ये क्या मेजर करता है, द डिवाइस दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट। याद रखिएगा अल्टीमीटर एल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट, अल्टीमीटर अल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट। एमीटर जो होता है ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करता है एम्पियर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियोमीटर द डिवाइस दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑडियो मतलब सुनना, ऑडियो मतलब सुनना, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर होता है इससे। एनीमोमीटर एनीमोमीटर से हम वेलोसिटी ऑफ विंड स्पीड ऑफ विंड मेजर करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बैरोमीटर एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है। बोलोमीटर बोलना, ठीक है, बोलने में एनर्जी लगता है, तो इससे रेडिएंट एनर्जी हो जाए, मेजर रेडिएंट एनर्जी, बोलने में एनर्जी लगता है इसलिए बोलोमीटर, द डिवाइस यूज टू मेजर रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। आप कैलोरीमीटर में क्या होता है, हीट से रिलेटेड है कैलोरीमीटर, तो डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, ये हो जाएगा कैलोरीमीटर। वर्नियर क्लिपर, ये तो सभी को जानता है कि एक्सट्रीमली प्रिसाइज मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं। क्रायोमीटर जो होता है टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तो क्राई करने लगेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैरोमीटर जो होता है वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करता है। फैदोमीटर, ये तो अभी सभी को पता है कि मेजर द डेप्थ ऑफ द सी और ओशियन, उसके लिए होता है। डेप्थ ऑफ सी और ओशियन, ओशियन और सी का डेप्थ मेजर करने के लिए होता है फैदोमीटर।
गैल्वेनोमीटर किसके लिए होता है? शार्पनेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए होता है। गायरोस्कोप द डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन द स्पीड एंड ओरिएंटेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, उसके लिए होता है। हाइड्रोमीटर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइड्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द साउंड वेव इनसाइड द वाटर। हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड है, मतलब जो साउंड वेव होगा पानी के अंदर हम मेजर करेंगे। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है। द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। लैक्टोमीटर, लैक्टो मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क, डिटेक्ट एंड मेजर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क। क्रोनोमीटर द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड इन शिप्स और एयरक्राफ्ट टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ टाइम। क्रोनो, क्रोनो होता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी तरह से एक्यूरेसी ऑफ टाइम मेजर करने के लिए होता है। क्रेस्कोग्राफ द डिवाइस विच द ग्रोथ इन ए प्लांट इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड। क्रेस्को, ठीक है, क्रेस्कोग्राफ में आप ग्रोथ इन ए प्लांट डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। डायलेटोमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द चेंज इन अ वॉल्यूम, मेजर करना है ना तो आपको डायलेटोमीटर यूज करना पड़ेगा। डायनेमोमीटर द डिवाइस विच द पावर जनरेटेड बाई इंजन इज मेजर्ड। नेफोस्कोप द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड। नेफो मतलब क्लाउड, क्लाउड मेजर करने के लिए होता है। टेक्योमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट, टेक्योमीटर, ठीक है, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट टेकोमीटर, टेकोमीटर हो जाता है। रेन गोजेज, ठीक है, ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करने के लिए होता है। रिफ्रैक्टोमीटर द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन द रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्टोमीटर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडिसेस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस से रिफ्रैक्टोमीटर बन गया है। सेक्रोमीटर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मतलब सेक्रो, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। स्क्रू गोजेज द डिवाइस यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ थिन वायर का। स्क्रू, स्क्रू होता है ना पतला टाइप का होता है, थिन वायर हो जाएगा उससे, ठीक है। सेक्सटेंट तो ये तो सभी को पता है कि एंगल मेजरमेंट करने के लिए होता है। डिवाइस यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड इन नेविगेशन एंड सर्वेइंग। स्फेरोमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द स्फेयर है मतलब कर्वेचर मेजर करेंगे इससे। स्फाइगोमैनोमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजर करेंगे। थेरोलाइट तो आपका मेजर द क्रॉस सेक्शनल एंड रेक्टेंगुलर एंगल। मैकमीटर जो होता है ना, ये डिवाइस है जो कि एयरक्राफ्ट में यूज होता है। थ्रू विच द स्पीड ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। मैग्नेटोमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल। माइक्रोमीटर द डिवाइस यूज टू ऑब्टेन द 1/1000th ऑफ पार्ट ऑफ मिलीमीटर। ओममीटर किससे मेजर करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को। ओममीटर मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। उडोमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये उडोमीटर। फोनोमीटर द डिवाइस यूज टू एग्जामिन द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉयस इन स्पीकिंग। फोन पे जो हम लोग जोर जोर से बोलते हैं ना, वो उसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉयस इन स्पीकिंग, फोनोमीटर। पॉलीग्राफ द डिवाइस विच द ट्रूथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज एग्जामिन्ड, एक्ट एज ए लाई डिटेक्टर में पॉलीग्राफ होता है। लाई डिटेक्टर मतलब पोल खुल जाना, मतलब पोलियोग्राफ, पॉलीग्राफ, ठीक है, पोल खुल जाना। पायरोमीटर द डिवाइस यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सन और स्टार मेजर करेंगे तो पायरोमीटर से करेंगे। रडार क्या होता है, डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ फार कमिंग एयरक्राफ्ट एंड फाइटर प्लेन्स, ये सब में रडार यूज होता है। सिस्मोग्राफ द डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ये सिस्मोग्राफ मेजर करते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ मोटर व्हीकल, स्पीडोमीटर होता है। दट इक्विपमेंट यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, तो विस्कोमीटर होता है, ठीक है, वैसा इक्विपमेंट जो कि मेजर करता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड को, तो विस्कोमीटर होता है। अंडर CGS मेथड लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन किलोग्राम और टाइम जो हो जाएगा सेकेंड में हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखिए, अभी हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, अभी इसमें बहुत सारा चैप्टर है, मैकेनिक्स है, ठीक है, और मैकेनिज्म के बाद क्या है और देख लेते हैं हम। मैकेनिज्म के बाद ग्रेविटी है, ग्रेविटी के बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस है, इसके बाद वेव मोशन है, इसके बाद है आपका साउंड है, इसके बाद क्या है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसके बाद क्या है, इसके बाद ऑप्टिक्स है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद कंडक्टिविटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। न्यूक्लियर फिजिक्स है, मिसलेनियस है, ठीक है, इतना ही है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा है, 20-20 मिनट का, और ये हो सकता है 4-5 पार्ट में ख़त्म हो जाए।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहे थे, साउंड का कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक ही वीडियो में पकड़ हो जाएगा। अगर एक ही बार पूरा बना देंगे तो साउंड में दिक्कत होगा, तो फिर पूरा का पूरा दिक्कत ही हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी एक ही वीडियो बना देते हैं। अब वीडियो को जरूर से जरूर पूरा का पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे CJEE, BPSC, कोई भी स्टेट लेवल का JEE का, चाहे सेंट्रल लेवल का कोई भी दे रहे हैं, तो उसमें पूछता ही ये सब, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।